अस्सलाम वालेकुम अंजू की किचन में वेलकम। अंजू की किचन में आज मैं बना रही हूँ मैंगो मिंट कूलर, क्योंकि गर्मियाँ हैं, गर्मियों के लिहाज से मैं आज एक ड्रिंक बना रही हूँ, वो आप ज़रूर बनाइएगा। देखें इसके लिए मुझे क्या चाहिए। ये मैंगो है, कच्चे आम जो थे हरे वाले, 3 अदद आम लिए मैंने, इनको खूब अच्छी तरह से उबाल लिया, नरम हो गए तो उसका पल्प निकाल लिया है मैंने। 2 कप शक्कर और 1 कप पानी का शीरा बनाया है मैंने, गाढ़ा शीरा बना लिया पका के। ये 1 कप पुदीना है, 1 टीस्पून जीरा भून के पीस लिया है मैंने, और 1 टीस्पून काला नमक, थोड़ा सा इसमें तुखमा लंगा जाएगा, भिगो लिया है मैंने 1 कप पानी में। और हमें चाहिए बर्फ और 2 ग्लास ठंडा पानी। तो अब हम इसको ब्लेंडर में बनाते हैं। ये देखिए देखिए व्यूअर्स, ये ब्लेंडर में मैंने बर्फ डाल दी, मुझे 4 गिलास बनाने हैं तो आधा लूँगी मैं ये पल्प। और आधा शीरा जाएगा, तकरीबन 1.5 कप पुदीना, 0 जीरा भुना हुआ पिसा हुआ, नमक काला नमक 1 टीस्पून है काला नमक, पानी 2 गिलास, अब हम इसे ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे। ये हमने ब्लेंड कर लिया अच्छी तरह से, अब मैं गिलास में थोड़ी सी बर्फ डालूंगी, इसको अच्छा सा ठंडा करना है। ये देखिए बहुत मज़े का बनेगा, इसके अंदर जीरे का, काले नमक का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 4 गिलास बनेंगे, अब ऊपर हम थोड़ा सा तुखमा लंगा डाल देंगे, अच्छा सा ठंडा इसका वो आते टेस्ट। ये देखें देखिए तो मलंगा इसमें बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा इसे, बहुत जल्दी बनने वाला ड्रिंक है ये, गर्मियों में बहुत अच्छा है, अच्छा कूलिंग इफेक्ट देता है ये। तो मलंगा ज़्यादा डाल सकते हैं आप, आप ये पेस्ट और शीरा जो है इसको मिक्स करके फ्रिज में भी रख सकते हैं, और जब भी आपको बनाना हो फ्रिज से निकालें, ब्लेंडर में डालें, बर्फ़ डालें और ये पेस्ट डालें और मसाला डाल के आप तैयार करें, बहुत मज़े का बनेगा, आप लोग ज़रूर बनाएगा, गर्मियों के लिहाज से बहुत अच्छा है ये। और मुझे कमेंट में बताएँ कि कैसा लगा आपको, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।